Subscribe Daily Law Learn. Daily Law Learn. Do you subscribe? Press the bell icon like a mensha, please. Assalamualaikum. Welcome to my channel Daily Law Learn. आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं. आज एक गुड न्यूज़ है, मतलब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी लॉ गेट का टेस्ट होता है तो जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो दोबारा टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है. और नंबर टू पॉइंट, ठीक है, नंबर टू पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में मार्क्स नहीं ली एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में 49 मार्क्स लिए, ठीक है, 49 मार्क्स लिए, तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये कहा था कि अगर कोई 50% मार्क्स पे पास नहीं हो सकता तो अगर उसने पांच चांस में, लास्ट चांस वाले में या किसी भी चांस में उसने 49 मार्क्स ली होंगी तब भी हम उसको लाइसेंस जो है इशू कर देंगे, ठीक है. ये ही पहली बात. ये भी मतलब 3-4 महीने हुए हैं जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी नोटिफिकेशन के ज़रिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने कि जो भी स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में, उन फाइव अटेम्प्ट में अगर किसी भी अटेम्प्ट में उसने 49 मार्क्स लिए हैं, ठीक है. ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट अटेम्प्ट में 49 मार्क्स लिए हों देन फिर पास हो. किसी भी अटेम्प्ट में उसने 49 मार्क्स लिए हैं तो वो पास हो जाएगा, उसको लाइसेंस इशू हो जाएगा, ठीक है. अब नंबर थ्री पॉइंट, अब रिसेंटली कल ये अनाउंसमेंट, ये नोटिफिकेशन आया है पाकिस्तान बार काउंसिल का कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये टोटल कितने अटेम्प्ट थे, पहले 3 अटेम्प्ट थे, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट की कि 3 अटेम्प्ट बहुत ही ज़्यादा कम हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अटेम्प्ट, मतलब 5 चांसेस दिए लॉ गेट स्टूडेंट्स वालों को कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर 5 चांस देता है और उसमें अगर किसी भी अटेम्प्ट में पास हो जाता है तो हम उसको लाइसेंस इशू कर देंगे. अब मेन पॉइंट ये है कि अब खुशखबरी कौन सी है जो कल अनाउंस हुई है पाकिस्तान बार काउंसिल में. सो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे कि मैम हमने 5 चांस दे चुके हैं और पास भी नहीं, अब हमारा क्या होगा. सो उनके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है. उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आप अपनी तैयारी पकड़ें और डेली बेसिस पे मैं लेक्चर शेयर करूँगी, वो उनको गौर से सुने, क्योंकि अब जो खुशखबरी अनाउंस हुई है पाकिस्तान बार काउंसिल ने बताई है वो ये है कि अब पहले 3 चांसेस थे फिर 5 हुए, अब हो गए हैं टोटल 7 चांस. वाओ, इट मींस 7 चांस हो गए. अब हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं. ऐसा नहीं एक बार पास हो जाए फिर भी 7 देना होगा. मेरा मतलब ये है कि किसी ने भी मतलब 6 अटेम्प्ट में भी फेल हो गए हैं तो वो 7वां अटेम्प्ट भी अब दे सकता है. अब 7 अटेम्प्ट हो गए हैं, अब 5 वाला चांस ख़त्म हो गया है, अब हम टोटल 5-7 चांस जो हैं वो दे सकें. ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान बार काउंसिल ने बताई है. ये मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान थे अब क्या करना, उनके लिए तो ये मतलब जिगर में जान आने वाली जो न्यूज़ है. सो ये मौका मिस ना कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, तैयारी पकड़िए और मतलब पास्ट पेपर्स, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कौन से सेक्शंस, कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, मतलब इनको ट्रिक होती है, ये एक ट्रिक को समझ जाएंगे ना आप पास होने का कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी. थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी. मैं आपसे पूरी जर्नी शेयर करूंगी अपनी और कैसे लॉ गेट मतलब पास करते हैं, शॉर्टकट में ही आपको ट्रिक दे के बताऊँगी और इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है. MCQs भी बताऊंगी कि कौन कौन से वो MCQs हैं जो लाजमी आते हैं. सो नाउ द गुड न्यूज़ इज़ अब हम जो भी गेट टेस्ट है उसमें 7 बार दे सकते हैं, 7 दफ़ा.
अब आप तैयारी करें और मेरे साथ जुड़ी रहिए। मैं वीडियोस शेयर करूंगी, एमसीक्यूज भी शेयर करूंगी, पास्ट पेपर्स भी शेयर करूंगी। अब तो पूरे 7 चांस हैं। अब आप अपना मायूस नहीं होना, उदास भी नहीं होना है। अपनी तैयारी करें और पास हो जाइए और मज़े से एडवोकेसी को इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। मज़ीद कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आराम से, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। उसमें कोई भी इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़। आप मेरे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल कमेंट बॉक्स पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं सबको रिस्पॉन्स देती हूँ। सो आप बेफिक्र रहिए, अपने 7 चांस इंजॉय कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। एंड Now the special thanks to Mr. Mohammad Tariq Afridi, ASC member of Pakistan Bar Council and President PHCBA, who is appeared to request increase the chances to appear logged exam from 5 to 7 chance. This is special person to thanks to Mohammad Tariq Afridi, ASC member of Pakistan Bar Council and President PSCBA, who is a request for increase the chance. Thanks. So, आप अपनी तैयारी कीजिए, हम मिलकर तैयारी करेंगे। जो पास नहीं हो सकेंगे अब इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएंगे, क्योंकि अब 7 चांस हैं। सो नाओ हम हमारे वीडियो को अभी इसी वक्त ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद कीजिए और अपनी बहन को बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए।